भारत से दूर बसा है एक और हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत से मीलों दूर एक हिंदुस्तान है जहाँ कई भारतीय बसते हैं। इस देश का नाम है सूरीनाम, जिसे आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में हिंदू और भारतीय रहते हैं, इसलिए हिंदुस्तान भी कहा जाता है। आइए जानते हैं सूरीनाम से जुड़ी कई अहम बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है। सूरीनाम को 25 नवंबर 1975 में आज़ादी मिली। सूरीनाम की आबादी में 37% हिस्सा हिंदुस्तानी और 27.4% हिस्सा हिंदुओं का है। सीआई कार्डों के लिए हर साल 400 के आसपास आवेदन आते हैं। इसकी राजधानी पारामारिबो है। सूरीनाम को कुल 10 जिलों में विभाजित किया गया है। यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा डच है, साथ ही भोजपुरी या कैरिबियन भाषा भी अधिक मात्रा में बोली जाती है। सूरीनाम का समाज बहुसांस्कृतिक है, जिसमें अलग अलग जाति, भाषा और धर्म वाले लोग निवास करते हैं। देश की एक चौथाई जनता हर दिन $2 से कम पर जीवन यापन करती है। इसके अलावा सूरीनाम बहुत से प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ियों की जन्मभूमि भी रही है। 1873 में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग वहां जाकर बसे, जब डच सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों की नियुक्ति के लिए ब्रिटेन के साथ समझौता भी किया था। सूरीनाम में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र 1978 में खोला गया और वह कथक, योग और शास्त्रीय संगीत पर जोर देने के साथ हिंदी लोक नृत्य का भी प्रचार प्रसार कर रहा है। वहीं भारत और सूरीनाम के बीच आर्थिक संबंध भी है। सूरीनाम को किए जाने वाले निर्यात में बॉयलर मशीनर, इस्पात, बिजली के उपकरण, औषधि उत्पादन, वाहन, कॉफी, चाय मसाले, पेपर आदि शामिल हैं। भारत ने साल 2014 से 2015 में सूरीनाम के साथ 210.57 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया था और आगे भी इस संबंध को बरकरार रखा है।